मुंबई जो कभी थमती नहीं कभी रुकती नहीं। कुछ ऐसा आकर्षण है इस शहर में कि जो एक बार यहाँ रह लेता है फिर वो यहीं का होकर रह जाता है। इसीलिए तो मुंबई को माया नगरी कहते हैं, जिसकी माया से कोई नहीं बच पाता है। सपनों का शहर माया नगरी आमची मुंबई बॉम्बे बंबई, शहर एक नाम अनेक। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, मुंबई में जिंदगी हर पल एक नए जोश के साथ दौड़ती नजर आती है। इस शहर की सड़कें रातों में भी गुलजार रहती हैं। बम धमाके, आतंकी हमले, बाढ़ जैसी मुसीबतें आज तक मुंबई की नेवर डाई स्पिरिट को नहीं डिगा सकी। भले ही यहाँ आने वाले लोगों को आते ही शहर में काम ना मिले, रात फुटपाथ पर सोकर गुजारनी पड़े, लेकिन एक बार जिसने मुंबई की इस अग्नि परीक्षा को पार कर लिया फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो मुंबई में आए और यहीं के होकर रह गए। गुजरे जमाने के कई फिल्मी सितारों ने सफलता की बुलंदियों को छूने से पहले कई रातें मुंबई के फुटपाथ पर काटी हैं। दौड़ता भागता ये शहर इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि जिंदगी की हर मुश्किल को वो हंसते हंसते पार कर जाता है। मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन है। ये थमी तो समझो पूरा मुंबई शहर थम गया। अगर आप इस माया नगरी का पूरा नजारा लेना चाहते हैं तो मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए, जो हर रोज लगभग 75 लाख मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना भले ही मुश्किल है, लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन के बिना मुंबई वासियों और मुंबई वासियों के बिना मुंबई की लोकल ट्रेन अधूरी है। इन मुश्किलों के बाद भी अगर आप लोकल तक लगातार दौड़ती रहती हैं। मुंबई लोकल में हर शख्स एक बराबर है। यहाँ ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा। धर्म, जात पात और हैसियत से ऊपर उठकर ये शहर इंसान के मेहनत की कद्र करता है। इस शहर में एक और अनोखा रंग है और वो है मुंबई के डिब्बे वालों का रंग। खाने का डिब्बा लोगों तक पहुंचाने वाले मुंबई के डिब्बे वाले मैनेजमेंट के छात्रों को टाइम मैनेजमेंट के गुण सिखाते हैं। जी हाँ, ये होता है और सिर्फ मुंबई में। दशकों से दफ्तर दर दफ्तर लोगों को खाना पहुंचाने वाले मुंबई के डिब्बे वालों को आज सारी दुनिया उनके टाइम मैनेजमेंट के लिए जानती है। हर रोज ये लोग बिना किसी गलती और देरी के लगभग 2 लाख लोगों को डिब्बे पहुंचाते हैं। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक मुंबई के डिब्बे वाले अपने इस हुनर के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं और इस प्रसिद्धि के कारण मुंबई के डिब्बे वालों को प्रिंस चार्ल्स की शादी में इंग्लैंड से निमंत्रण आया था। इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में भाषा और संस्कृति एक दूसरे के बीच दीवार नहीं बल्कि पुल का काम करती है। यहाँ इन अलग अलग संस्कृति के लोगों के त्योहार सिर्फ इनके न होकर मुंबई के हो जाते हैं। होली, दिवाली, गणेशोत्सव, नवरात्र, पोंगल जैसे त्योहार मुंबई में सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं रहते। इन त्योहारों को दूसरे धर्मों के लोग भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसी तरह ईद, बैसाखी, क्रिसमस हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के त्योहार ना होकर मुंबई वासियों के त्योहार हो जाते हैं और सभी धर्मों के लोग मिलके ये त्योहार मनाते हैं। मुंबई की 30% आबादी झुग्गियों में रहती है। इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में है, जहां ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही साफ सफाई का इंतजाम है। इसके बावजूद सरकार इस शहर को संघाई जैसा बनाने का सपना देख रही है, जो इन हालातों को देखकर मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुश्किल हालातों में भी अपने जज्बे से हर मुसीबत को हल करने वाली मुंबई इस सपने को भी एक दिन जरूर पूरा करेगी। मल्टीनेशनल कंपनियां कपड़ों से लेकर खाने तक मुंबई के मार्केट में अपनी जगह बना ली हैं। लेकिन मुंबई के आम आदमी के मुंह का जायका आज भी चौपाटी की भेलपूरी, पानीपूरी और वड़ा पाव ही बनाता है। वड़ा पाव मुंबई में सबसे सस्ता और टिकाऊ खाना माना जाता है। मुंबई में आप पैसों की तंगी चाहे कितनी ही झेल रहे हों,
आपको पेट भरने के लिए 12 रुपए का बेहद सस्ता वड़ा पाव मुंबई के हर जगह पर मिल जाएगा। मुंबई के लोग इसे वड़ा पाव और यहाँ आने वाले विदेशी मेहमान इसे इंडियन बर्गर के नाम से खाते हैं। आपके मन में जब भी कोई उलझन हो या आपको अपना सुख दुख किसी से बांटना हो तो इस शहर में सबके पास एक दोस्त है, वो है यहाँ का समंदर, जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। रात में रोशन मरीन ड्राइव का रूप किसी रानी के गले के हार जैसा लगता है। क्वींस नेकलेस के नाम से मरीन ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। हाजी अली। हाजी अली दरगाह समुद्र के अंदर स्थित सफेद संगमरमर की दरगाह है, जो सदियों से यूं ही खड़ी है। समुद्र में चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, दरगाह को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाजी अली के लिए लोगों की श्रद्धा और भक्ति ऐसी है कि धर्म और जात पात से ऊपर उठकर हर धर्म के लोग यहां आते हैं। आज की कॉस्मोपॉलिटन सिटी मुंबई सदियों पहले 7 टापुओं को मिलाकर बनाई गई थी। कभी कोली मछुआरों की बस्ती होने वाली मुंबई आज अरबपति खरबपति लोगों का बसेरा बन चुकी है। ब्रिटिश राज में इस शहर को बॉम्बे और बंबई जैसे नामों से पुकारा गया। शहर का नाम बदला, लोगों का नजरिया भी वक्त के साथ बदलता गया, लेकिन अतीत के निशान आज भी हमें इस शहर के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं। देश और दुनिया के दूर दराज इलाकों में रहने वाला हर इंसान मुंबई को देखना चाहता है, यहाँ आना चाहता है, यहाँ आकर अपने सपने पूरे करना चाहता है, और मुंबई आपको अपने सपने साकार करने का पूरा मौका भी देती है। यही है मुंबई का असली आकर्षण, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस शहर में एक अपनापन है, जो यहाँ रहता है वो इसे खुद महसूस करता है। यू के साथ तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।